तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर जो हमारी पोस्ट होती हैं, पोस्ट के नीचे हम कमेंट्स कैसे कर सकते हैं एज अ यूजर, और एज अ एडमिन हम पोस्ट के नीचे कमेंट्स को एडिट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, और उसको हम रिप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले आपने XAMPP को स्टार्ट कर देना है, दोनों लैंग्वेजेस को आपने स्टार्ट कर देना है, जिस तरह हम अपनी नॉर्मल वेबसाइट को चलाते हैं। यहाँ पर आके आपने अपने डैशबोर्ड को ओपन कर लेना है। जब डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपने एडमिन अपना पासवर्ड दे देना है। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो हम एक पेज के ऊपर अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है। हम कोई एक सिंपल सा आर्टिकल ओपन कर लेते हैं, जैसे मैंने ये अकेडमीज पे किया, ये हमारे सामने एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल को हमने अभी ओपन नहीं किया, तो हम इस आर्टिकल को ओपन करते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल हमारा ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पर आपके सामने कमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है, लॉग इन एज अ एडमिन। तो हमारे पास यहाँ कौन लॉग इन है, एडमिन। तो एडमिन तो कमेंट्स कर सकता है, लेकिन हमने बात करनी है कि एज अ यूजर कोई भी बंदा जब आपकी वेबसाइट पे आएगा तो आपने उसके अंदर कमेंट कैसे देना है। तो मैं यहां पर लॉग आउट हो जाता हूं। लॉग आउट होने के बाद यहां पर देखें, अब आपके सामने जब कमेंट्स का ऑप्शन शो होगा तो यहां पर नेम आएगा, यहां पर ईमेल आएगी, और यहां पर आपकी वेबसाइट आएगी। और यहां वेबसाइट का यूआरएल देना लाजमी नहीं है, ईमेल देना लाजमी है और आपने अपना नेम देना लाजमी है। जैसे मैं आप लोगों को कमेंट्स दे के दिखाता हूँ कि वो किस तरह यूज़र कमेंट देगा और आपके पास किस तरह शो होगा। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल के मुताबिक कोई भी कमेंट्स दे देता हूँ, मैंने दे दिया गुड। ठीक है, यहाँ पर आपने कोई भी नाम रख देना है, तो यहाँ पर हम नाम रख देते हैं। आपने कोई भी नाम रख देना है, नाम रखने के बाद यहाँ पर आपने अपनी ईमेल दे देनी है। मैं यहाँ पर ईमेल दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई भी ईमेल दे दी। ईमेल देने के बाद आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं देना चाहते तो ना दें। अगर आप इस चेक के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका ये फ़ायदा होगा जब कोई भी यूज़र के बारे में ये बात हो रही है, जब यूज़र आएगा वो इस चेक के ऊपर क्लिक कर देगा, अपने कमेंट को पोस्ट कर देगा, तो क्या फ़ायदा होगा जब वो नेक्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे आके कमेंट्स करेगा किसी भी आर्टिकल पे, तो उसको ये नेम और ईमेल देने की ज़रूरत नहीं होगी, वो जस्ट कमेंट लिखेगा और पोस्ट कमेंट कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पोस्ट कमेंट कर देते हैं, तो यहाँ पर कमेंट क्या हो जाएगा, पोस्ट हो गया। अब यहाँ पर देखें, ये कमेंट पोस्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है कि योर कमेंट्स आर वेटिंग मॉडरेशन, के ये कमेंट आपका अप्रूवल पे चला गया है। जब तक एडमिन अप्रूव नहीं करेगा तब तक इसका जो कमेंट है वो आपके सामने शो नहीं होगा, यहाँ पर आपका भी नहीं शो होगा। इसके बाद अगर कोई और बहुत सारे लोग, दो या तीन लोग इकट्ठे कमेंट कर रहे हैं तो उनका भी आपको शो नहीं होगा जब तक एडमिन इसको अप्रूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर तो यूज़र ने कमेंट कर दिया, अब हम देखते हैं कि एज अ एडमिन कैसे काम करेगा, जिसकी वेबसाइट है या हमारी वेबसाइट है हम इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, ये आपके सामने ऑप्शन आ रहा है कि आप लॉग आउट हो गए थे, आप लॉगिन हो जाओ, तो हम यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद हम यहाँ लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद अपनी वेबसाइट को ऐसे रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पर देखें, ये आपके सामने एक कमेंट शो हो गया, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है तो ये देखें, ये आपके सामने कमेंट आ गया। ठीक है, ये तो ऐसे उसने साइड ने एज अ सैंपल के तौर पर आपको कमेंट दिया हुआ, तो आपके सामने ये आ गया है। ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है अप्रूव, आप इसके ऊपर अप्रूव करेंगे तो आप उस पर्सन का कमेंट क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे रिप्लाई तो उसको आप रिप्लाई कर सकते हैं, क्विक एडिट कर सकते हैं, या आप उसको स्पैम में भेज सकते हैं। आपने कौन किस किस्म के कमेंट्स को स्पैम में भेज सकते हैं, जिस तरह कुछ लोग आपकी वेबसाइट पर आके अपनी प्रोडक्ट को सेल करने की ट्राई करेंगे या अपनी वेबसाइट का के यूआरएल को स्पैम करेंगे, तो आप उन चीज़ों के कमेंट को उसमें भेज सकते हैं स्पैम में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, अप्रूव। जब यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा तो उसका कमेंट उसको शो होने लग जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पर देखें, उसका कमेंट यहाँ पर क्या हो गया, शो। आप यहाँ से भी रिप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर रिप्लाई क्लिक करके आप यहाँ पर जाके भी रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें, अब आप एज अ एडमिन लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं रिप्लाई कर देता हूँ, रिप्लाई में यहाँ पर हम लिख देते हैं थैंक्स। थैंक्स के बाद आप यहाँ पर पोस्ट कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट पोस्ट हो जाएगा। ये फ़ौरन कमेंट्स पोस्ट हो जाएगा और ये दोनों चीज़ें आप लोगों को ईजीली नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आप किसी भी आर्टिकल में या किसी भी पोस्ट के नीचे अपना कमेंट्स कर सकते हैं। तो एज अ यूज़र कैसे करते हैं और एज अ एडमिन कैसे पोस्ट करेगा, तो वो भी आपको पता चल गया कि यूज़र नॉर्मल आएगा, वो अपना पोस्ट कमेंट करेगा तो आपके पास यहाँ पर कमेंट्स के पास शो हो जाएंगे। जब तक आप उसे अप्रूव नहीं करेंगे तब तक आपके सामने वो शो नहीं होगा। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पर हम अपने ऑल कमेंट्स को देख लेते हैं, हमारे पास अब तीन कमेंट्स हैं, एक ये एडमिन का, एक जो जिस पर्सन ने आपके सामने यहाँ पर कमेंट किया था, और ये एज अ सैंपल के तौर पे पहले वेबसाइट में मौजूद होता है, तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपने देख लिया कमेंट कैसे होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपने अगले कोर्स में लेकर आते रहेंगे।